बचपन से ही सोसाइटी ने हमें तरह तरह की बातों से डराया है, जिससे हम बड़ा सोचने से डर जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, एंटरप्रेन्योर्स गाइड में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक समरी शेयर कर रहे हैं, जिनमें आप सीखेंगे कैसे आप अपनी लाइफ में मनचाही सफलता पा सकते हैं, और ये भी जानोगे कि कैसे आप अपने दिमाग को फिर से बड़ा सोचने के लिए प्रोग्राम कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बुक समरी। फर्स्ट, बिलीव यू कैन सक्सीड एंड यू विल। खुद पर विश्वास करना सीखे। विश्वास में बहुत ताकत होती है। यह विश्वास करें कि आप लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत धन दौलत कमा सकते हैं, इज्जत शोहरत सब हासिल कर सकते हैं। अपने आप पे भरोसा रखेंगे तो सब हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर खुद पर ही शक करेंगे और सोचेंगे कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए खुद पर विश्वास करना सीखें। खुद पर विश्वास को मजबूत करने के लिए लेखक ने तीन तरीके बताए हैं। फर्स्ट, कोई भी काम शुरू करने से पहले यह सोचे कि मैं इसमें सफल रहूँगा, यह न सोचे कि फेल हो जाऊँगा। काम शुरू करने के 21 दिन पहले ही यह बोलना शुरू कर दे कि मैं सक्सेसफुल होकर रहूँगा, और बार बार करते रहे। सेकंड, अक्सर खुद को याद दिलाते रहें कि आप खुद को जितना काबिल समझते हो उससे कहीं बेहतर हैं। दूसरों के क्रिटिसिज्म पर जरा भी विश्वास न करें। लोग तो भगवान को भी क्रिटिसाइज करते हैं, इसलिए लोगों की नहीं अपनी आवाज़ सुने और बार बार बोले मैं एक दिन कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा, मुझे खुद पर भरोसा है। थर्ड, बड़े गोल्स बनाएं। लाखों नहीं, करोड़ों और अरबों कमाने के सपने देखें। छोटी सी नौकरी नहीं बल्कि कंपनी का CEO बनने का लक्ष्य बनाएं। सितारों को छूने के सपने देखें। अगर आप थोड़ा सा चूक भी गए तो भी कम से कम चांद पर तो होंगे। इसलिए बड़े गोल्स बनाएं और उन्हें पाने के लिए पूरी मेहनत में जुट जाएं। सेकंड, क्योर योरसेल्फ ऑफ एक्सक्यूसाइटिस, द फेलियर डिजीज। दोस्तों, बहुत बार हम जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी बहाने बनाने की आदत। कुछ बहाने इस तरह के होते हैं, मेरे में इतना दिमाग नहीं है, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा या कम है, किस्मत कभी मेरा साथ नहीं देती, अभी ठीक समय नहीं चल रहा। तो ज़्यादातर लोगों को इस तरह के बहाने मारने की बीमारी होती है, जिसे लेखक एक्सक्यूसाइटिस कहते हैं, मतलब बहाने बनाना। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो इस तरह के सभी बहाने बनाना छोड़ दीजिए। अगर कोई बिजनेस शुरू करना है तो कीजिए। इसके लिए न तो बहुत दिमाग चाहिए, न उम्र, न अच्छा दिन या मूड, यह सब तो बहाने हैं। बहाने बनाने की बजाय यह देखें कि आपके हाथ में क्या है और आप क्या कर सकते हैं। एकदम से कुछ बड़ा नहीं कर सकते तो छोटे से शुरू कीजिए। धीरूभाई अंबानी पहले सिर्फ मामूली से क्लर्क थे, फिर उन्होंने टेक्सटाइल का बिजनेस शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने अपना बिजनेस फैलाया और आज देखिए रिलायंस कितनी बड़ी कंपनी बन चुकी है। धीरूभाई जी के पास बहुत शिक्षा नहीं थी, उस समय उनकी उम्र भी ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने इन सब का बहाना नहीं बनाया बल्कि एक गोल बनाया और एक स्ट्रेटजी बनाकर आगे बढ़ते गए। इसलिए आप भी एक्सक्यूसाइटिस से आज ही बाहर निकलिए, बहाने बनाना छोड़िए और अपने काम में जुट जाइए। थर्ड, बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड डिस्ट्रॉय फियर। अगर आपको किसी भी काम से डर लगता है तो उसका सामना करें, उस काम को छोटे पार्ट्स में बांट लें और धीरे धीरे उन पार्ट्स को पूरा करें। जैसे अगर किसी फीमेल को स्कूटी चलाने से डर लगता है तो एकदम से ही स्कूटी पर न बैठ जाएं। पहले दिन सिर्फ स्कूटी को पकड़ना सीखें, अगले दिन स्कूटी को पकड़कर पैदल ही चलाएं, फिर स्कूटी पर बैठकर पैर नीचे रखकर उसे सरकाएं और लास्ट में उसे धीरे धीरे चलाना शुरू करें।
तो इस तरह से आप गिरेंगे भी नहीं और डर भी नहीं लगेगा। ऐसे ही अगर पब्लिक स्पीकिंग करनी हो तो पहले दीवार के सामने बोलकर प्रैक्टिस करें, फिर कुछ फ्रेंड्स के सामने बोलें। इस तरह 30 दिन तक प्रैक्टिस करें, कुछ टाइम बाद आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। 4th, हाउ टू थिंक बिग। 1st, अपनी डिक्शनरी से छोटी सोच वाले शब्द निकाल दें, जैसे सारी दुनिया बुरी है, मुझे बस कोई छोटी सी जॉब मिल जाए तो बहुत है, बिजनेस मेरे जैसों के लिए नहीं होता, मेरी इतनी औकात कहाँ, यह सब छोटी सोच वालों के शब्द होते हैं। आज ही ऐसी बातें बोलना या सोचना बंद कर दें। 2nd, बड़ी सोच वाले शब्दों का इस्तेमाल करें, जैसे हाँ यह मुश्किल है लेकिन मैं सीखकर यह कर सकता हूँ, सभी लोग बुरे नहीं होते, बहुत से लोग हेल्पफुल होते हैं, मेरी लाइफ अच्छी है और आगे भी रहेगी। 3rd, ऐसे लोगों से प्रेरणा ले जो कभी आपसे बुरी हालत में थे लेकिन आज बहुत सफल हैं। 4th, नई नई किताबें पढ़ें जो स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती। 5th, अपनी जॉब से प्यार करें, कभी भी अपने डेस्क के आगे लोगों की भीड़ न लगने दें, न कि टालते रहें, इससे आप बहुत एफिशिएंट हो जाएंगे, सब आपकी तारीफ करेंगे और आपको खुद पर गर्व होगा। 6th, छोटे लोगों की नेगेटिव बातों को इग्नोर करें और अपने बड़े गोल पर ही ध्यान रखें, कोई मजाक उड़ाए या क्रिटिसाइज करे तो आप सिर्फ पेशेंस रखें और कोई रिएक्शन ना दें, ऐसे लोग आपके इस बर्ताव को देखकर अपने आप ही चुप हो जाएंगे। 5th, हाउ टू थिंक एंड ड्रीम क्रिएटिवली। दोस्तों, हमारा ब्रेन बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से काम करता है। जैसे आपको एकदम से बोला जाए कि लोगों के आगे स्पीच दो तो क्या होता है, बहुत से लोग घबराने लगते हैं, उनकी सांस फूल जाती है, उनका मुंह सूख जाता है, लेकिन वहीं लोग जब घर पर अकेले होते हैं तो घंटों उस टॉपिक पर जोर शोर से बोल सकते हैं। इसका मतलब है हमारा ब्रेन बहुत बार हमारे कंट्रोल में नहीं होता, बल्कि उस वक्त सबकॉन्शियसली हम पर हावी हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड में बहुत शक्ति है, इससे बात करना सीखें। अगर आप यह सीख गए तो इससे कुछ भी करवा सकते हैं। सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड से बोलें, मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, मैं बहुत अच्छा ओरेटर बनना चाहता हूँ। अगर बहुत दिनों तक यह बोलेंगे तो आपको सबकॉन्शियस माइंड इसके लिए प्रोग्राम हो जाएगा और आप पब्लिक स्पीकिंग से घबराएंगे नहीं। इसी तरह आप नए आइडियाज़ और ड्रीम्स के लिए भी सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहें, मेरे लिए एक नया बिजनेस आइडिया ढूंढो, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं खुश रहना चाहता हूँ। तो इस तरह आपको लाइफ में जो भी चाहिए उसकी कमांड अपने सबकॉन्शियस माइंड को दें, लेकिन यह कई दिनों तक करना पड़ेगा और बिना शक या संदेह के साथ। ऐसा ना हो कि एक तरफ बोले कि मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए और दूसरी तरफ यह सोचने लगे कि मैं कभी यह नहीं कर पाऊंगा। दो कंट्राडिक्टरी थॉट्स आपके दिमाग में नहीं होने चाहिए, इससे सबकॉन्शियस ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा और आपकी कमांड फॉलो नहीं करेगा, बल्कि ऑटोमेशन पर चलता रहेगा, अपने आप ही डर और एंजाइटी के डिसीजन लेता रहेगा जो बहुत बार गलत होते हैं। इसलिए सबकॉन्शियस ब्रेन का इस्तेमाल करना सीखें। 6th, यू आर व्हाट यू थिंक यू आर। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर आप यह सोच लेंगे कि आप हमेशा गरीब रहेंगे तो सच में ही गरीब रहेंगे। इसके विपरीत यह सोचेंगे कि एक दिन आप किसी न किसी तरह से अमीर बन जाएंगे तो आप सच में बनेंगे, क्योंकि आपके यह विचार आपका सबकॉन्शियस ब्रेन सुनता रहता है। अगर अमीर बनने के थॉट्स दिमाग में लाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए नए नए आइडियाज़ ढूंढने में जुट जाएगा, आपको नई स्किल सीखने के लिए प्रेरित करेगा। ऐसा ही हर फील्ड में होता है। अगर सोचेंगे कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो सच में ही कभी कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा।
हर चीज आपके सोचने से शुरू होती है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें। कभी भी नेगेटिव विचारों को अपने ब्रेन में न घुसने दें। आपका ब्रेन एक गार्डन है और आप उसके वॉचमैन, इसलिए नेगेटिव थॉट्स को गार्डन में न आने दें, नहीं तो सारा गार्डन ही खराब हो जाएगा। ब्रेन के गार्डन का कॉन्सेप्ट इस किताब में बहुत अच्छे से दिया गया है। द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, इसे जरूर पढ़ें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। 7th, मैनेज योर एनवायरनमेंट। आपकी जिंदगी पर आपके आसपास के माहौल का बहुत असर पड़ता है, इसलिए अपने माहौल का ध्यान रखें। कभी भी छोटी थिंकिंग वाले लोगों के साथ ना रहें, हमेशा सक्सेसफुल लोगों से सलाह लें, फ्रॉड लोगों से नहीं। अगर आसपास अच्छे लोग नहीं हैं तो अच्छी बुक पढ़ें और नया ज्ञान हासिल करें। किसी के बारे में नेगेटिव न बोलें, र्यूमर्स में बिलीव न करें, न उन्हें फैलाएं। हमेशा विश्वास करने से पहले एविडेंस मांगें। हर चीज में खुद को फर्स्ट क्लास बनाएं, थर्ड क्लास लोगों से दूर ही रहें। 8th, मेक योर एटीट्यूड्स योर अलाइज। दोस्तों, आपके सोचने के तरीके को ही आपका एटीट्यूड कहते हैं। कुछ लोग ब्रांडेड कपड़े पहनकर सोचने लगते हैं कि वे कोई सेलिब्रिटी हैं और घमंड करने लगते हैं, और लोग कहने लगते हैं कि वह तो एटीट्यूड दिखा रहा है। सबका एटीट्यूड या सोच अलग होती है। कुछ लोग महंगे कपड़े पहनकर भी बहुत हम्बल रहते हैं, पर अपने एटीट्यूड को अपना दोस्त कैसे बनाएं जिससे वह सफल होने में हमारी हेल्प करे। लेखक कहते हैं कि नम्र एटीट्यूड अपनाने से आप लाइफ में बहुत सफल हो जाएंगे। 1st, आई एम मेंटली स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड। यह लाइफ का सबसे अहम एटीट्यूड है। कभी भी खुद को कमज़ोर न समझे, हमेशा खुद से बोले मैं अंदर से स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं मुश्किल घड़ी में भी हिम्मत नहीं हारता, बुरा वक्त भी मुझे नहीं तोड़ सकता। इस तरह के एटीट्यूड वाले लोगों को कभी एंग्जाइटी और डिप्रेशन नहीं हो सकते। 2nd, सर्विस फर्स्ट एटीट्यूड। इस एटीट्यूड से आप जिंदगी में बहुत सफल हो सकते हैं और बहुत सा पैसा भी कमा सकते हैं। हमेशा पहले दूसरों की सेवा करें। बहुत से बिजनेसमैन लालच में आकर सिर्फ पैसे पर ध्यान देते हैं, उन्हें कस्टमर से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए उनका बिजनेस जल्दी चौपट हो जाता है। इसलिए आपको अगर किसी भी बिजनेस में सफल होना है तो अपने कस्टमर्स की सेवा और सहायता का भाव रखें। अगर वे संतुष्ट रहेंगे तो आपका बिजनेस बहुत तरक्की करेगा, इससे आप हम्बल भी रहेंगे, यह सब आपको और ज़्यादा सक्सेसफुल बनाएगा। 3rd, डू मोर देन अदर्स। दूसरों से ज़्यादा करें। बाकी लोग जितना कर रहे हैं आप उनसे थोड़ा सा ज़्यादा करने की कोशिश करें, यह भी सफलता का राज है। जैसे अगर दूसरे लोग 10 पेज पढ़ते हैं तो आप 20 पेज पढ़ने। 9th, थिंक राइट टूवर्ड पीपल। लोगों के लिए अच्छा सोचे, बोले और करें, क्योंकि लोगों के जरिए आपकी अच्छी बुरी रेपुटेशन बनती है और चारों ओर फैलती है। अगर आप किसी से रूडली बात करेंगे तो क्या होगा, वह आदमी 10 और लोगों को बताएगा कि आप बेहद बुरे इंसान हैं। वे 10 लोग और 10 लोगों को बता देंगे और इस तरह आपकी गलत रेपुटेशन बन जाएगी। इसलिए सबकी रिस्पेक्ट करें और रिस्पेक्टफुली बात करें। इसमें कोई भी पैसा खर्च नहीं होता, बल्कि फ़ायदा ही फ़ायदा मिलता है। कुछ लोग दूसरों की कमियों का मजाक उड़ाते हैं, ऐसा कभी न करें। अगर बाकी लोग ऐसा कर रहे हों तो उस अकेले आदमी का पक्ष लें और सबको समझाएं, न कि उसके साथ मिलकर उस अकेले का मजाक उड़ाने लग जाएं। इससे वह आदमी सारी ज़िंदगी आपकी इज्जत करेगा और जब भी उसे मौका मिलेगा आपका भला ही करेगा। ऐसे ही दूसरों की गलतियों को भी इग्नोर करें, उन्हें सुधारने का मौका दें, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। 10th, गेट द एक्शन हैबिट। बहुत से लोग बिस्तर में पड़े पड़े डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, बड़े बड़े प्लान बनाते हैं, जैसे कि ऐसा बिजनेस बनाऊंगा, वैसा करूंगा, सबको दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ, लेकिन सारा दिन बीत जाता और वह आदमी करता कुछ नहीं है। इसलिए सोचिए और बोलिए कम और करिए ज़्यादा।
YouTube पर सिर्फ वीडियो देखते मत रहिए, अपनी वीडियोस बनाने में जुट जाइए। यह मत सोचिए कैसे बनाओ क्या बनाओ, बस बनाने बैठ जाइए। आदमी का दिमाग बहुत ही ताकतवर होता है, उसमें करोड़ों आइडियाज़ होते हैं। जब आप वीडियोस बनाने बैठेंगे तो आइडियाज़ आ ही जाएंगे। इस तरह कोई भी काम हो उसका गोल बनाइए और उसे करने के लिए जुट जाइए। अगर बिल भरने को है तो उसी वक्त भर दीजिए, कोई पेंडिंग काम पड़ा है तो अभी करने लग जाइए। प्लानिंग में सिर्फ 5 मिनट लगाइए, बाकी का 95% उस काम को करने में लगाइए। परफेक्शन की चिंता मत करिए, जैसा होता है कर दीजिए, बाद में सुधार होता रहता है और आपका काम परफेक्ट होता जाता है। 11th, हाउ टू टर्न डिफीट इंटू विक्ट्री। हर असफलता आपके लिए सबक होती है। जो लोग इस सबक से सीख जाते हैं वे दोबारा असफल नहीं होते। दूसरा, यह भी याद रखें कि छोटे युद्ध में बेशक हार जाएं, लेकिन बड़े युद्ध में कभी ना हारें। मान लीजिए स्कूल के किसी एग्ज़ाम में फेल हो गए हो, तो इसका मतलब यह नहीं है कि ज़िंदगी में ही हार गए। हो सकता है आगे चलकर आप एक सफल बिजनेसमैन या कंपनी के मालिक बन जाएं। इस तरह फेलियर से घबराएं नहीं, बल्कि उसे सक्सेस में बदलने की सोचें। पास्ट में मिले फेलियर आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करते। अगर किसी ने कभी टफर या निकम्मा आदि कहा है तो इस बात को दिल से न चिपका लें, बल्कि यह मानने से इनकार कर दें और कुछ करके दिखाएं। इससे आपके आलोचकों का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। हर बड़ा व्यक्ति जो आज सफल है कभी न कभी असफल जरूर हुआ है, इसलिए खुद को मोटिवेट करें और दूसरों से इसकी उम्मीद न रखें। 12th, यूज गोल्स टू हेल्प यू ग्रो। बिना गोल के ज़िंदगी जीना वैसा ही है जैसे उस बस में बैठना जिसकी मंजिल का ही नहीं पता। फिर आप पहुंचेंगे कहाँ, इसलिए गोल्स बनाने की आदत डालिए। गोल्स एक दिन के लिए हो सकता है, एक हफ्ते का हो सकता है, एक महीने का, एक साल का या 10 साल के लिए भी हो सकता है। हफ्ते का गोल कोई असाइनमेंट तैयार करना हो सकता है, महीने का गोल किसी एडिक्शन जैसे स्मोकिंग, पोर्न, अल्कोहल आदि से छुटकारा पाना हो सकता है। एक साल का गोल नई स्किल जैसे कोडिंग, ब्लॉगिंग, डिजिटल मार्केटिंग, स्विमिंग या कोई लैंग्वेज सीखने का हो सकता है। इस तरह गोल बनाकर काम कीजिए और अपनी ग्रोथ कीजिए। इससे आपकी पर्सनालिटी एक अलग ही लेवल पर चली जाएगी। आपको हर काम में सफलता तो मिलेगी ही, देखने वाले भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन गोल बनाने के साथ साथ एक डिसिप्लिन भी ज़रूरी है। ऐसा ना हो गोल तो बना लिया लेकिन कोई एक्शन ही नहीं लिया। डेली 5 मिनट ही एक्सरसाइज करें, लेकिन रोज़ करें। उस आदमी की तरह न करें कि एक दिन तो 3 घंटे एक्सरसाइज की और फिर 6 महीने के लिए गायब हो गए। इसलिए गोल की तरफ बेशक एक ही कदम लें, लेकिन प्रतिदिन लें। 13, हाउ टू थिंक लाइक अ लीडर। हमेशा एक लीडर की तरह सोचें, क्योंकि एक अच्छा लीडर बड़ा सोचता है। लीडर की सोच में क्वालिटीज़ होती हैं। हमेशा शांत रहें और धीरज रखें, दूसरे के दर्द को समझें और सिंपथी से बात करें। मुश्किल वक्त में सबका साथ दें, न कि कहीं छुप जाएं। हमेशा प्रोग्रेस की बात सोचें और उसके लिए भी एक्शन लें। बुरे वक्त में लोगों को मोटिवेट करें, कभी भी ईगो न दिखाएं और हम्बल रहें। हमेशा अकेले में पहले ही सोच लें कि किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है और क्या बोलना है। नेगेटिव लोगों की बातों को इग्नोर करें, उनसे न उलझें, सिर्फ स्माइल करके आगे बढ़ जाएं, क्योंकि आपके सामने बहुत से अच्छे गोल होते हैं, इसलिए अपनी एनर्जी उनके लिए बचा के रखें। 14th, हाउ टू यूज़ द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग इन लाइफ्स मोस्ट क्रूशियल सिचुएशंस। दोस्तों, कई बार हमारी ज़िंदगी में बुरा वक्त भी आ जाता है। उस वक्त बहुत से लोग पेशेंस खो देते हैं, वे बड़ा सोचना भूल जाते हैं और इस तरह फिर कभी सफल नहीं हो पाते। इसलिए लेखक ने ऐसे सर्कमस्टेंसेस में बड़ा सोचने के लिए कहा है। जब घटिया लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें तो बड़ा सोचें। जब आपका दिमाग बोले मैं यह नहीं कर सकता तो बड़ा सोचें।
जब झगड़े की नौबत आ जाए तो बड़ा सोचे, जब खुद को हारा हुआ महसूस करे तो बड़ा सोचे, जब कोई रिलेशनशिप खराब होने लगे तो बड़ा सोचे, जब कोई बिजनेस आदि ठीक से न चल रहा हो तो बड़ा सोचे। इस तरह लाइफ की हर मुश्किल घड़ी में सिर्फ बड़ा सोचे। बड़ी सोच में जादू है, इस जादू का फायदा उठाएं और जिंदगी में मन चाही चीज हासिल कर लें। दोस्तों, अगर आप पूरी किताब पढ़ना चाहते हैं तो अमेज़ॉन से मंगवा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और आपके क्या क्या सपने हैं जो आपके पूरे करने हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू गाइज, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक और कमेंट भी कर दें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।